तो अगली खबर जो है वो यूपी के बलिया से है। यहाँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक निजी कार्यक्रम के तहत पहुंचे। अब मंच पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर दोनों ही मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने जहां विरोधियों पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने बताया कि कैसे एक मिशन के तहत सरकार विकास पर काम कर रही है। वहीं राहुल गांधी के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द एंड हो चुके हैं, न उनके पास नीति है और ना ही कोई एजेंडा। सत्ता को कठपुतली की तरह उपयोग किया है उन्होंने, लोकतंत्र का मजाक तक बना दिया है। तो बलिया की तस्वीरें देख रहे हैं, एक मंच पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे। माननीय प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, अब मैं चाहूंगा जो इस विद्यालय के संस्थापक मृगेंद्र बहादुर सिंह जी हैं उनके। राहुल गांधी जी देख रहे हैं कि बारिश में भी उनके साथ जन आंदोलन जुड़ रहा है, काफी लोग जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर आप जानते हैं राहुल गांधी डिरेल्ड हो चुके हैं और ना उनके पास कोई नीति है ना एजेंडा है। जब वो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं उस समय उनकी स्थिति क्या आप जानते हैं? उनको ना प्रदेश अध्यक्ष ढूंढने मिल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढने मिल रहे हैं और कई बार उन्होंने सत्ता को एक कठपुतली तरह उपयोग किया, लोकतंत्र का मजाक बनाया है। लोकतंत्र कहता है कि जन सामान्य की पार्टी होगी, आपको पार्टी एक परिवार में गिरवी करके आपने रख दिया है और जनता ने पास से देखा है, इनको कभी भी अवसर नहीं मिलेगा। जनता इन्हें बुरी तरह नकार चुकी है और बुरा हर्ष होने वाला है।